एक्टर अक्षय ओबेरॉय ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बात की है। अक्षय ओबेरॉय जब हमारे प्लेटफॉर्म पर आए तो उन्होंने जहां एक ओर दिवाली से जुड़ी कई सारी बातें हमारे साथ शेयर की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी बताया कि आखिर किस फिल्म ने उनकी छवि बदली है, आखिर किस फिल्म की वजह से उनकी काबिलियत सबके सामने आई है। जी हाँ, अक्षय कहते हैं कि गुड़गांव, फ्लैश, हाई और पिज्जा उनके 10 साल के करियर में मील का पत्थर साबित हुई है और गुड़गांव फिल्म से उनकी छवि ही बदल गई है। अगर मैं कहूँ कि तीन कोई माइलस्टोन काम जिसको आप हमेशा अब तक 10 साल में कोई तीन फिल्में या तीन सीरीज या जो भी आपने किया है वो कौन से हैं? यार आई थिंक सबसे पहले मैं गुड़गांव को डालूंगा उस लिस्ट में, क्योंकि गुड़गांव मुझे लगता है, एक तो मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है शंकर रमन की, अगर किसी ने देखी नहीं हो तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, बिकॉज मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है। एंड आई थिंक उसके बाद लोगों को ऐसा लगा कि मैं, मतलब मैं दिखता हूँ शायद एक चॉकलेट बॉय, लेकिन मैं कर सकता हूँ अलग प्रकार के रोल्स, और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई थी हरियाणवी की, तो फिर लोगों को लगा शायद ये सिर्फ एक बैंड्रा बॉय नहीं है, ये अलग अलग देसी हार्टलाइन रोल्स कर सकता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा वो। एंड आई थिंक हाल फिलहाल, मतलब जो हाल ही में जो दो प्रोजेक्ट रिलीज हुई है, फ्लैश और हाई, आई थिंक इससे काफ़ी चेंजेस मेरे करियर में आए हैं, बिकॉज अगेन फ्लैश में एक बहुत ही आउट एंड आउट मतलब नेगेटिव किरदार था, और अगेन आई थिंक लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना कुछ खूंखार करूं, और हाय तो आई थिंक एक बहुत ही अद्भुत कॉन्सेप्ट है, यू नो, और लोगों ने काफ़ी देखा है उसको, क्योंकि दूसरा काम अगर आप लाल रंग ले लो या पिज्ज़ा ले लो, जो मुझे मुझे मेरी बहुत करीब फिल्में हैं, लोगों ने देखी नहीं है ज़्यादातर, मतलब व्यूअरशिप भी डिपेंड करता है कि आपको, मतलब किस आप किस परवान चढ़ रहे हो। तो आई थिंक हाई के बाद, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसको देखा है और सराहाया भी, उसके बाद मुझे लगता है एक माइलस्टोन है ये मेरे लिए। आपकी तीन फिल्में मुझे विकिपीडिया में दिखती हैं, एक तो मैडम चीफ मिनिस्टर, फिर दूसरी एक शायद साउथ की है और केटिना एक दूसरा। मेरे को तीनों का प्रोनंसिएशन, मैडम चीफ मिनिस्टर तो मैंने पढ़ लिया, बाकी दोनों का सही प्रोनंसिएशन और जो आप बता सकते हैं फिल्म के बारे में। बिल्कुल, तो मैडम चीफ मिनिस्टर सुभाष कपूर की फिल्म है, मैं ऋचा चड्ढा मैन ऑफ कॉल, बहुत बढ़िया फिल्म है, ऑब्वियसली सब जानते हैं सुभाष जी बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है, राइटर भी है। फिर जो आप साउथ पढ़ रहे हो उधर, वो मैं भी नहीं बोल सकता, वो तेरे टू पायले है, उसकी हिंदी रीमेक हमने की है, डायरेक्टर सेम है, उसमें मैं विनीत सिंह और उर्षि राउटेला हैं, उसमें मैं विलेन का रोल निभा रहा हूँ। और फिर आखिर जो आप पढ़ रहे हो वो है केटिना, केटिना एक बालाजी की फिल्म है, एकता जी की फिल्म है वो, उसमें मैं और दिशा पाटनी है, हमने उसको 6-8 दिन शूट किया था पेंडेमिक से पहले, और चंडीगढ़ में शूट किया था हमने, लेकिन वो स्केड्यूल ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली ये कोरोना वायरस आ गया, तो अब मुझे पता नहीं हम स्टार्ट कब करेंगे उस फिल्म को, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट है, राज शंडेलिया की स्क्रिप्ट है जो ड्रीम गर्ल के लेखक और निर्देशक है।